सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि रोग और बीमारियों का मुख्य कारण क्या है। हमारे ऊपर रोग और बीमारियां क्यों आती हैं, क्या हम इन रोग और बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं या फिर नहीं। तो आज हम लोग इन सब बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। हमारे ऊपर रोग और बीमारियों के आने का मात्र एक मुख्य कारण है और वो है श्रापित अर्थात पाप की अवस्था में होना। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति श्रापित अवस्था में है और इसी श्रापित अवस्था के कारण हम हमेशा रोग और बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी श्रापित अवस्था अर्थात पाप में है, क्योंकि ये पाप हमारे खून में बाबा आदम और आदि माता हव्वा के जमाने से चला आ रहा है। पहली स्त्री और पहला पुरुष जो श्रापित अवस्था में हुए वो आदि माता हव्वा और आदि पिता आदम ही हैं। इनके ऊपर पाप आने के कारण आज हमारे खून में पाप बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और इस पाप की हकीकत को समझने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। हम कैसे मान लें कि आज ये सारी पृथ्वी पाप में पड़ने का मात्र एक मुख्य कारण थे बाबा आदम और आदि माता हव्वा। तो हाँ, हमारे पास इसका प्रमाण है अर्थात सबूत है। हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए बाइबल के वचन को पढ़ेंगे। हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 1 पद से 24 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दूर था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द वारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एणी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा,
क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर अरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि ये सारी पृथ्वी श्रापित अवस्था में कैसे हुई। शैतान सर्प का रूप धारण करके अदन के बगीचे में आया। आदि माता हव्वा और आदि पिता आदम को भले बुरे के ज्ञान का फल खाने के लिए उस शैतान ने बहका दिया और आदि माता हव्वा ने उसको खाया और आदम को भी खिलाया और दोनों की आत्मिक आंखें बंद हो गई और शारीरिक आंखें खुल गई और आत्मा में मर गए और शरीर में जीवित हो गए। परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने रोज आता था, लेकिन उस दिन जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आवाज लगाई तो वे दोनों वाटिका में छिप गए। वे दोनों इसलिए छिप गए क्योंकि वे अब सब कुछ शारीरिक आंखों से देखने लगे थे और दोनों ने परमेश्वर को जवाब दिया कि हम नंगे हैं। परमेश्वर को ये बात पता चल गई कि जिस चीज के लिए मैंने इन्हें वर्जा था इन्होंने वही किया है। उसी वक्त परमेश्वर ने सांप, हव्वा और आदम तीनों को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए भी परमेश्वर आदम और हव्वा पर दया किया और उन्हें चमड़े के अंगरखे बनाकर दिए। और आज यही कारण है कि हम इसी पाप और श्राप के कारण दुख भोग रहे हैं। यदि आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ये एहसास हुआ है कि हम पाप और श्राप में डूबे हुए हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको इस पाप और श्राप से निकलने के लिए रास्ता जरूर बताएंगे। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।